राजधानी दिल्ली की एक और तस्वीर जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, देखा जाए तो मेरे मोबाइल में आधी रात के 3:03 हो रहे हैं, ये समय आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अगर दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं तो मेरे दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक छोटा सा प्लास्टिक का एक टेंट बना हुआ है और इस टेंट के भीतर जो है तकरीबन 3 लोग सोए हुए हैं। आधी रात को 3 बज रहे हैं और 3 लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। हाड़ कांपती ये ठंड है और ठंड से बचने का भी यहाँ कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है। बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इन्हें सुध-बुध भी नहीं है। खुले आसमान के नीचे ये लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। ठंड से बचने का भी कोई इंतजाम नहीं है। महज एक कंबल इनके पास है और किसी तरह ठंड से बचने की इस कंबल के जरिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दावे बहुत किए गए थे, वायदे बहुत किए गए थे रैन बसेरों के लिए, साथ ही साथ जो सड़कों पर जो लोग सोते हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से, लेकिन सारी दावे सारी वायदे कागजी पन्नों तक सिमट कर रह गई है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। आनंद बिहार का इलाका है, देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग अलाव जलाकर यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकारी कोई इंतजाम यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा। कुछ लोग है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। ये इंतजाम खुद आप लोग खुद से कर रहे हैं? ये अपने आप कर रहे हैं जो ठंड से बचने के लिए। पूरी रात आप लोग क्या करते हैं? ऑटो ड्राइविंग करते हैं। अब सर्दी लगती है तो आज यहाँ से इतना पड़ता है। दिल्ली के सड़कों पर आप लोग घूमते हैं, तो क्या कोई सरकारी इंतजाम आप देखते हैं सरकारी तरफ से, इस तरह के ठंड से बचने का जो दावा किया जाता है? सरकारी इंतजाम तो कुछ भी नहीं होता जी, ये तो बेसिकली अपना धंधा है तो इसमें तो रोड पे घूमना ही पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकारी इंतजाम तो कहीं कुछ भी नहीं होता है। कहीं कुछ आप नहीं देखते हैं? जो बेघर लोग हैं जो सड़कों पर सोते हुए भी आपको दिख जाते होंगे, उनके लिए कोई इंतजाम आप देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब इंतजाम होगा फिलहाल। मतलब इधर के एरिए में गवर्नमेंट की मतलब एक दो सुविधाएं बहुत अच्छी है कि रैन बसेरा वगैरह बना रखी है, तो जो फुटपाथी लोग हैं वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। रैन बसेरे की स्थिति आपको क्या लगती है, ठीक होगी? अब फिलहाल जो फुटपाथ पर रहते हैं उन लोगों के लिए तो ठीक ही होगी। जाहिर सी बात है, तमाम दावे ठंड से पहले किए गए थे और दिल्ली ने ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि लोग जो है खुद से ही इंतजाम कर रहे हैं, अलाव का व्यवस्था करके ठंड से बचने की कोशिश भरतक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास मैं खड़ा हूँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये स्टेशन परिसर का ये तस्वीरें हैं। घंटों ट्रेन यहाँ देरी से आने की सूचना है और खुलने की भी सूचना है, लोग इंतजार में हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर स्टेशन परिसर के भीतर मौजूद है। कुछ लोग हैं जो कि घंटों स्टेशन पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। कौन सी ट्रेन पकड़ना था आपको? कमतिया। कितने घंटे देर से चल रही है? 6 घंटा। आप स्टेशन पर ही रात में हैं जी? आपका क्या नाम? अभिषेक सित्री। कौन से ट्रेन पकड़ना था आपको? वही सेम है। अच्छा, इंतजार में ट्रेन का? इंतजार। आधी रात वक्त, रात का वक्त का है और घंटों ट्रेन विलंब से चल रही है। आपका क्या नाम है? तरिकुल इस्लाम। अच्छा, ये वेटिंग रूम में आप गए थे? हाँ, गया था। क्या बताया गया? कि अवेलेबल नहीं है रूम, ऊपर जाके पता करो, ऊपर जाके बहुत देर से पता करो, रूम है नहीं। हम 6 टिकट है हमारे पास, कोई साधन नहीं मिला। तो ठंड के कारण, कोहरे के कारण घंटों ट्रेन विलम्ब से चल रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों की ये शिकायतें भी हैं कि उनके पास वैध टिकट होने के बाद भी उन्हें वेटिंग रूम में जगह नहीं दिया जा रहा है। रेलवे की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो भी सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही है। हालांकि ट्रेन जो विलंब जो चल रही है इस बात की भी सूचना लोगों को नहीं दिया जा रहा। अगर तस्वीरें अगर पीछे आप देख सकते हैं तो यात्री काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, लोग इंक्वायरी के पास खड़े हैं ट्रेन के बारे में पूछताछ करने के लिए और सही जानकारी भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।